रनिम असलाकुम तो बच्चों आज हमारा लेसन नंबर है फोर एंड लेक्चर नंबर है एट हमारी जमायत है हस्तम और हमारा मज़मून है उर्दू एंड हमारा टॉपिक है नज़मो ज़ब्त तो बच्चों इसका हम जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि नजमो ज़ब्त क्या है नज़मो ज़ब्त किस को कहते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पबंदी करने का नाम नज़मो ज़ब्त है नज़म ज़ब्त अरबी जबान के दो लफ्ज़ों नज़म और ज़ब्त का मजमु है नजम के मानी है लड़ी में प्रोना और तरतीब देना जब्त के मानी है रुकावट यानी अपने मामलत में कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नजमो ज़ब्त है तो बच्चों हमने इसका कर लिया इंट्रोडक्शन तो अब हम देखते हैं इसके मश्क़ी सवाल क्वेश्चन नंबर है वन नज़मो का क्या मफहम है तो इसका आंसर है किसी काम को कानून और कायदे की पबंदी के तहत अंजाम देना नज़म ज़ब कहलाता है तो बच्चों क्वेश्चन नज़म ज़ब की पबंदी करने के क्या फ़ायदे हैं क्वेश्चन नंबर टू इसका आंसर है नज़मो ज़ब की पबंदी कामयाबी की दलील है नज़म ज़ब के बग़ैर जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती जो लोग नज़म ज़ब की पाबंदी करते हैं कामयाबी उनके कदम चूमती है क्वेश्चन नंबर है थ्री नज़मो ज़ब का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है इसका आंसर है नज्मो सब्त का ख़्याल ना रखने से ज़िंदगी में बेसकूनी और इंतजार फैल जाता है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर कितार बनाने का क्या फ़ायदा होता है आंसर है आपका कितार बनाने से बदनज़मी भेजा तकरार और दखम पील से बचा जा सकता है और काम सुकून से होता है क्वेश्चन नंबर है फाइव कानून की अमलदारी से क्या मराद है तो इसका आंसर है आपका कानून की अमलदारी से मराद है कि कानून पर हर हाल में अमल किया जाए कानून की पासदारी की जाए पासदारी की जाए मीन के उसकी इज़्ज़त की जाए अहतराम किया जाए क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा दीन हमें किस तरह नजमो जब्त की तालीम देता है इसका आंसर है हमारा दिन हमें नजमो जब्त का दर्ज देता है मकर्र अवत में नमाज पंजगाना की अदायगी नजमो जब्त की उमदा मिसाल है एक इमाम के पीछे एक साथ रुकू सजूद करना उसने तरतीब का आला नमूना है तो बच्चों अब हम करते हैं वाद जम पहला है कायदा इसकी जमा है क़वाद फिर है सबक इसबाक नेक्स्ट है मुफाद और इसकी जमा है मुफादात, फिर है ख्वाहिश और इसकी जमा है ख्वाहत फिर है जमा सजूद और इसकी वाद है सजदा फिर है जमा मनाजर और इसकी वाहद है मंजर फिर है वाहद तालीम और इसकी जमा तलीमत तो अब हम करते हैं फास मुतजाद मुतजाद किस को कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जिसका उल्ट बनाया जाए वो मुतजाद कहलाता है जैसे कामयाब और इसका मुतजाद नाकाम फिर है आला इसका है अदना नेक्स्ट है ज़िंदगी इसका मतजाद मौत फिर है मशरक़ इसका मतजाद मगरब फिर है तलू इसका मतजाद गरूब फिर है बदकिसमती और इसका है ख़ुशकस्मती अब हम करते हैं फास्ट जुमले पहला लफ्स है आपका नजम ज़ब हमें हर काम नजमो ज़ब से करना चाहिए नेक्स्ट है निज़ाम कायनत और इसका जुमला हम बनाते हैं अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ निज़ाम कायनत नजमो ज़ब का मुँह बोलता सबूत है नेक्स्ट है कार अमल करना जिसने नजमो ज़ब्त की कार फरमाय की वो कामयाब हो गया सुरखरु बेटे ने अव्वल पोजीशन हासिल करके माँ को सुर्ख किया बैसो तकरार बैसो तकरार से कुछ हासिल नहीं होता तो बच्चों आज की आपकी डायरी है आपने सवाल जवाब आप याद करने और लिखने हैं हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा